Okay, so let's begin today's chapter. It's unit number 8, chapter number 1, accounting standards. Accounting standards जो chapter है, ये important इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में मतलब not only for this year, but for the intermediate and the final level, accounting standard के बारे में भरपूर मात्रा में जो है questions आने वाले आपके अगले साल accounts के अंदर. So accounting standards होता क्या है, ये मतलब अब कैसे issue किया जाता है, क्या procedure होती है इसकी, तो वो सबसे पहले check करते हैं कि भाई formulation of accounting standard क्या चीज होता है, कैसे बनाया जाता है. चलिए शुरुआत करते हैं. पहला नंबर पॉइंट है इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड सर्कुलेशन, एसर्टेनमेंट ऑफ व्यूज ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट, कमेंट रिसीव्ड, मॉडिफिकेशन, इश्यू ऑफ एएस. सर ये तो टेक्निकल लैंग्वेज है, कैसे थोड़ी कोई याद रहने वाला है. चलिए हम आपको याद कराते एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर. तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि भाई आज आपको क्या खाना है, बोलो आज आपको क्या खाए, क्या खाए, गुलाब जामुन खाए. चलो गुलाब जामुन खाते हैं, आज बहुत दिन हो गए. सो गुलाब जामुन खाते हैं, ये रहा गुलाब जामुन. ये अपने दिमाग में भी आया है, ये अपने दिमाग में आया कि अरे आज क्या खाए, आज क्या खाए, तो हमने आइडेंटिफाई करा कि अरे आज तो हमको गुलाब जामुन खाने का. सो सबसे पहले हमने क्या करा, डिश को आइडेंटिफाई करा कि हमें आज खाना क्या है. सो आइडेंटिफाई किया कि सर हमें आज गुलाब जामुन खाने का है. तो फिर हमने सोचा यार गुलाब जामुन तो खाने का, लेकिन अच्छा ये बता इसको बनाना किसको आता है. तो मैंने कहा यार देख, एक तो मेरे को आता है आधा, और एक जो है ये जो मेरी सिस्टर है इसको आता है, और थोड़ी बहुत हेल्प अगर चाहिए कि तो मम्मी की ले लेंगे. तो हमने एक टीम बना ली. पहले क्या करा, सेकंड नंबर पॉइंट हमने क्या करा, टीम बना लिया कि भाई आधा जो है मैं बना लूंगा, आधी हेल्प मैं कर दूंगा, आधी मेरी सिस्टर कर देगी, आधा मम्मी कर देगी. तो मैंने टीम बना के रख ली कि गुलाब जामुन बनाने में ये टीम रहेगी. उसके बाद हमने अगला पॉइंट क्या किया, तो उसके बाद हमने अगली पॉइंट जो करी थी वो इंपॉर्टेंट ये चीज थी कि हमने ड्राफ्ट बना के तैयार किया. व्हाट इज ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट क्या चीज होती है. हमने गुलाब जामुन जब बनाने का सोचा था उसके बारे में हमने पहले करी रिसर्च, उसके बारे में सबसे पहले हमने करी रिसर्च कि भाई ये गुलाब जामुन बनता कैसे अल्टीमेटली. तो हमने देखा कि यार इसके लिए अपन को चाहिएगा मैदा, इसके लिए हमको चाहिएगा मावा, इसके लिए हमको चाहिएगा जो है घी चाहिएगा, शक्कर चाहिएगी. तो हमने एक बना के रखा भाई सबसे पहले प्रोसीजर जो करना है, स्टेप्स ये अपन को देखना है एक बार. तो हमने क्या करा, तैयार कर लिए. फिर अपने ने जो है वो छोटे छोटे से सर्कल बना बना के रख दिए, भाई ये सर्कल है, ये सॉरी वो क्या सर्कल इन द सेंस गुलाब जामुन के जो छोटे छोटे होते हैं ना वो बना के तैयार कर दिए. पहले स्टेप्स देख लिए, उसके बाद गुलाब जामुन बना बना के तैयार कर दिए. उसके बाद हमने क्या करा, फिर हमने पूछा हमारी जो ये जो टीम बनाई थी, भाई मैं था, मेरी सिस्टर थी, मम्मी थी, और भी कोई होगा मान लो फ्रेंड था, तो उनको हमने पूछा अच्छा ये चेक करो ये जो सर्कल हमने बनाए, ये जो सर्कल नहीं रहे यार, ये जो गुलाब जामुन हमने बनाए हैं तो बताओ ये एकदम सही है क्या, क्या लगता है तुमको, सही लग रहा है क्या ये. तो एक ने बोला नहीं नहीं इसके अंदर थोड़ा सा क्रैक है, अगर क्रैक होगा तो गुलाब जामुन जैसे घी में जाएगा फट जाएगा. तो हमने कहा यार अरे अच्छा अच्छा, तो हमने क्या करा इसको वापस सही किया. हमने यहाँ पे क्या किया, उनसे पूछे भाई तुम्हारे व्यूज क्या आ रहे हैं, तुमको क्या लगता है कि गुलाब जामुन सही है. तो उन्होंने बताया, बोले नहीं नहीं इसके अंदर तो क्रैक है, तो हो सकता है ये लफड़ा हो जाएगा तेरे को बाद में फट जाएंगे ये अंदर. हमने ओके 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 ओके, तो हमने वापस गुलाब जामुन को दोबारा सही किया, हमने उसमें जितने भी क्रैक्स थे वो सारे रिमूव कर दिए, दोबारा सही यहाँ पे लिख देते दोबारा सही किया, सही मतलब रेक्टिफाई किया. सो उसके अंदर क्रैक हटा दिए, उसके अंदर जो थोड़ा सा जो है वो और भी क्या साइज छोटी थी बड़ी थी जो भी थी इक्वल साइज के बनाने तो बड़े बड़े कर दिए, एक एक जैसे साइज के कर दिए, ये कर दिया. इसके बाद हमने गुलाब जामुन फाइनली जो है वो तल दिए, तलने के बाद इसको जो है चाशनी में डाल दिए, चाशनी में डालने के बाद जो है ये 3-4 घंटे के लिए इसको रख दिए, ये बन के तैयार है. देखो ये रहे ये चाशनी है, इसके अंदर ये रहा गुलाब जामुन, ये रहा 1, 2, 3, 4, ये थोड़ा बहुत ऊपर भी है, इधर उधर थोड़ा इधर नीचे भी है. सो ऐसे दिख रहा है तुमको, आई होप दिख रहा होगा. सो पहले क्या करा, आइडेंटिफाई आज खाना क्या है, बोला आज गुलाब जामुन खाएंगे. फिर क्या किया, बोले टीम किसको आता है पहले ये बता दो कि भाई मेरे को आता है, मेरे को आता है, मेरे को आता है. टीम देख ली अपन ने, बोले टीम बना ली. फिर बोला अरे गुलाब जामुन में बनाते कैसे, बोलो तो चेक कर. तो हमने कहा ये एक काम करिए, बुक है या फिर एक वीडियो है, स्टेप्स देख ले. उसके बाद हमने कहा कि ठीक है भाई ये सर्कल बना बना के रख देते हैं यहाँ पर, बोलो ओके. उसके बाद जो टीम में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, टीम में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिससे जिसको भी एक्सपीरियंस है, उसको पूछा कि भाई ये तुमको क्या लगता है, ये जो अभी बनाए हैं गुलाब जामुन के जो सर्कल्स बना बना के रखे हैं जो बोले, तो क्या ये सही है क्या. तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसमें थोड़ा बहुत लफड़ा चल रहा है, इसमें साइज बड़ी है छोटी है, क्रैक आ रहे हैं जो भी है. तो हमने कहा ओके ठीक है, हम दोबारा सही करके उसको तल के मस्त एकदम बना के रख दिया. उसके बाद हमने जो है टेस्टिंग के लिए, हमने जो अगला जो स्टेप था उसके अंदर टेस्टिंग करवाई. किसकी करवाई, टेस्टिंग. अब टेस्टिंग के अंदर हमने जो है घर के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो कि मेहमान आया था, ये मेहमान, अरे ये मेहमान ऐसे कैसे हो गए.
रुक जा, इरेज करना पड़ेगा मेहमान को। सो ये रहे मेहमान, ठीक है, ये मेहमान है, हंसने का नहीं, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। ये एक दो और मेहमान हो गए, ये रहे। सो ये मेहमान लोगों को हमने बोला, ये लड़की, एक मिनट रुक जा, इसके बाल करा देते हैं, ये बाल है इसके, ठीक है। सो ये आपने इन मेहमान लोगों को बोला तुम खाके बताओ, तो इनको एक जो है उसमें दिया बाउल में कि भाई ये लो तुम खाके देखो। तो इन्होंने ये खाके देखा, भाई ये अरे इसमें थोड़ी सी ना थोड़ी सी शक्कर की कमी है, उन्होंने सब बताया, बोले कि इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर की कमी है, या फिर एक घंटा और रख दो तो चाशनी और पी लेगा ये गुलाब जामुन। हमने कहा ओके, तो इनसे टेस्टिंग करवाया और हमने टेस्ट करके देखा तो हमें ये पता चला कि इसमें थोड़ा सा जो लास्ट एक फाइनल टचअप बाकी है, तो हमने इसको एक घंटे के लिए और रख दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, एक घंटे के लिए थोड़ी देर और रख के रख दिया, बोले एक घंटे में चाशनी और पी लेगा, और भी जो करना होगा, मान लो इलायची विलायची डालना होगा तो सब भी करके डाल दिया इसके। तो एक घंटे बाद ये पूरा एकदम तैयार बैठा है एकदम। अब फाइनली जब एकदम टेस्टिंग करवाने वाले लोगों ने पास कर दिया, हमने कर लिया जो था मॉडिफिकेशन कर दिया, उसके बाद हमने फाइनली जो गुलाब जामुन को है रात को जो है डिश में रख लिया डिनर में, और मस्त इसको खा गए। सो लास्ट में जाके इसको जो है हम खा गए और सबके सामने पेश किया, जितने भी लोग थे सबके सामने इसको पेश करा, देखो आज हमने बनाया है गुलाब जामुन। फिर हमने इसको क्या करा, अलग अलग हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दिए, आज हमारे घर पे बना गुलाब जामुन और मेड बाय मी, ऐसे करके डालते हैं ना, तो वैसे वैसे सो वैसे हमने डाल दिया सब जगह, इश्यू कर दिया इसको सब जगह। तो कुल मिला के ये प्रोसीजर होती है कोई भी चीज बनाने की उसको एंड तक, और यही प्रोसीजर होती है एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एरिया कि भैया हमको किस चीज में काम काज करने का है। तो हमने कहा अरे सर हमको डेप्रिसिएशन के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है सर। तो बोले अच्छा डेप्रिसिएशन देना है, और मैंने कहा और एसेट्स के ऊपर भी थोड़ा चेक करना है कि एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करे क्या करे। उसने बोला ओके। तो हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें बनाना क्या है, तो आइडेंटिफाई हो चुका है गुलाब जामुन, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट या डेप्रिसिएशन या जो भी एक एग्जाम्पल। उसके बाद हमने देखा कि यार इसमें नॉलेज किसको है, गुलाब जामुन हमने जब बनाया था उसमें नॉलेज किसको थी, बोले इन इन लोगों को नॉलेज थी। तो हमने कहा भाई देख इसको 10 साल का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली एसेट के फील्ड में, इसको डेप्रिसिएशन के फील्ड में मान लो 5 साल का एक्सपीरियंस इसको ये है, तो हमने मान लो 10 जनों की टीम बना ली, 10 तो ज्यादा हो जाएंगे, 5 जनों की टीम बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 5 जनों की हमने एक टीम बना ली, ग्रुप बना ली जिसे कहते हैं स्टडी ग्रुप, जो पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाने की कोशिश करेगा। सो उसके बाद हमने जो ड्राफ्ट बनाया, व्हाट इज दिस ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है जब आपने एक बार रफ में जो बना के रख दिया, तुम लोग भी सम करते हो ना, तो कोई पहली बार में कोई सम नहीं कर लेते तुम डायरेक्टली, उसको एक ड्राफ्ट जगह पे बनाते हो, एक रफ नोटबुक में यार एक रफ स्केच बनाते हो उसका एक तरह से। तो वही चीज है, ये लोग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इश्यू करना है तो पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उसको सर्कुलेट करेंगे, एंड सर्कुलेशन किसको करेंगे, यही जो स्टडी ग्रुप है इन लोगों को, दूसरा और भी कोई जो इस फील्ड में महारथी है, एसर्टेनमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडीज कौन से, ये लोग नहीं, ये तो चलो यही है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, इन लोगों को और भेजा, अच्छा तुम लोगों को क्या लगता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही है क्या, इनको पूछा भाई तुमको क्या लगता है, एसर्टेनमेंट ऑफ व्यूज, तुम्हारा व्यूज कैसा है, गुलाब जामुन सही है, तो यहाँ पे क्या करो व्यूज निकाले, भाई तेरे को क्या लगता है सही है। उसने बोला देख यार इसमें ये सब तो ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत ये लफड़ा चल रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो एक काम कर दो इस प्रोविजन को हटा दे। हमने कहा ओके, हमने कहा ठीक है अब फाइनल है, बोले हाँ अब फाइनल है, अब फाइनल है, हम फाइनली एक और ड्राफ्ट बना लिया, एक और ड्राफ्ट, अगेन दिस इज ड्राफ्ट, दिस इज नॉट द फाइनल स्टैंडर्ड, दिस इज जस्ट अगेन द फाइनल ड्राफ्ट। उसके बाद बन गया, हमने कहा चलो एक लास्ट बार और कर ले, एक लास्ट बार और चेक कर लो कि सब जनों को, फिर हमने और लोगों को भेजा, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट तू भी देख उसको, उसके बाद उसको बोला आपने अलग अलग लोगों को और बोला बोले तुम भी देखो इसको क्या इसमें कुछ लफड़ा तो नहीं है, उन्होंने चेक किया, अपने भी चेक करा, इन्होंने भी चेक करा, सबने चेक करा, बोले कि नहीं नहीं बस ये लास्ट एक चीज है, इसको चेंज कर दो, बाकी मॉडिफाई कर दो इसको एकदम फाइनल ड्राफ्ट को। हमने कहा ठीक है भी मॉडिफाई कर देते, तुमने जो बोला उस हिसाब से मॉडिफाई हो चुका है अब ड्राफ्ट, और लास्ट में क्या करूं इश्यू कर, बस यही तो कहानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू करने की। अगर स्टेप्स की तरह लर्न करने जाओगे कि सर सबसे पहले ये वो 8 स्टेप्स है टोटल, तो ऐसे तो लर्न होने नहीं है। तो सिंपल एग्जाम्पल याद रखने का गुलाब जामुन, ठीक है, ये हो गया गुलाब जामुन। रियल लाइफ में भी तुम यही करते हो आए दिन, रेगुलर डेज में भी तुम ये सारी चीजें करते हो, तो कोई इसके लिए लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आइडेंटिफाई करो, दूसरा कमिटी बनाओ, स्टडी जो है ग्रुप है उसको कॉन्स्टिट्यूट करो, तीसरा ड्राफ्ट बना के रख लो सर पहले एक बार, ठीक है आप पहले ड्राफ्ट बना के रख लो फिर सर्कुलेट करो। मैंने कहा सर्कुलेट किसको करूं, अरे
आपकी टीम को नहीं, दूसरे आजू बाजू वालों को करो, डिफरेंट बॉडीज को करो, उनके व्यूज एसरटेन करवाओ। तो चार स्टेप याद रखो, आइडेंटिफाई करो, कॉन्स्टिट्यूट करो, तीसरा ड्राफ्ट बनाओ, और चौथा डिफरेंट बॉडीज को सर्कुलेट करो, एसरटेन करो उनके व्यूज क्या क्या है। हमने कहा ठीक है चार हो गया, इसके आगे बोले अरे अभी तो सिर्फ इन चार लोगों को भेजा है ना, इन्होंने जो व्यूज दिए थे क्या तुमने उसको इंस्टॉल करे? मैंने कहा नहीं अभी तो बाकी है थोड़ा। तो बोले एक काम करो ना, फाइनल ड्राफ्ट बना के देखो, फाइनल बनाओ, इसको पूरा हटाओ यहाँ से और नया बनाओ वापस पूरे नए तरीके से। हमने कहा ठीक है भाई, फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या होता है? ये जो ये होता है ना लास्ट, इससे पहले एक और बार इस चीज को चेक किया जाता है। हमने कहा ओके चलो हमारा 90% हमने कहा काम तैयार है। बोले अभी, अरे अभी 90% नहीं है यार, ऐसे थोड़ी होता है, तुम अभी और होशियार लोगों को भेजो। मैंने कहा अच्छा होशियार कौन होता है? बोले और भी कोई होशियार लोग होंगे इस फील्ड के अंदर, महारथी, उनको भेजो। हमने कहा उनको भेज देते तो उनसे कमेंट आएंगे कुछ आपको कि भाई तुम्हें क्या लगता है ये है वो है। तो उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कमेंट कर लिया कि बोले सर ये है इसके अंदर, ये आप चेंजेस कर दो, बाकी 100% तैयार करके मॉडिफाई करके आगे इश्यू कर। सो चार स्टेप याद हो गए, फाइनल हो गया, कमेंट आ गए, कमेंट के बाद मॉडिफाई हो गया, लास्ट इश्यू। इश्यू तो चलो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, और आइडेंटिफाई करना भी याद रखने की जरूरत नहीं, ये बीच के छह तुमको याद अच्छे से रखने। इश्यू तो याद रखना ही नहीं है, कोई भी चीज अगर आप बनाओगे तो अल्टीमेटली इश्यू तो करना ही है ना, उसको स्टेटस पे डालोगे ही ना अगर तुम्हारी मेहनत है तो वही चीज है यहाँ पर। सो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दुनिया में बनता है तो उसकी चार आठ स्टेप्स ही होते हैं, याद रखना। आइडेंटिफाई करो, कॉन्स्टिट्यूट करो स्टडी ग्रुप को, प्रिपेयर करो ड्राफ्ट को, एसर्टेन करो व्यूज को, चार स्टेप हो गए। अगले चार स्टेप के अंदर फाइनलाइज करो एक्सपोजर ड्राफ्ट को, कमेंट रिसीव करो एक्सपोजर ड्राफ्ट के ऊपर, मॉडिफाई कर दो लास्ट में उस ड्राफ्ट को, और लास्ट स्टेप इश्यू करो। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम सिंपल दिया है तो आई होप इस एकदम क्लियर होना चाहिए, और नहीं है तो वापस लर्न कर लें। और एक और चीज, जब मैं आपको बोलता हूँ तो अगर आपके पास अगर बुक नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप रफ नोटबुक में एक बार के लिए लिख रो यहाँ पे रफ नोटबुक में कि सर दिस क्या बोलते हैं इसको, गुलाब जामुन एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, एग्जाम्पल गुलाब जामुन। तो तुमको याद रहेगा कि सर ने हमको ये एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि ऐसे याद करने जाओगे तो याद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे गुलाब जामुन का एग्जाम्पल तुमको याद रहेगा कि हमने गुलाब जामुन का एग्जाम्पल सर ने बताया था। और ये सारी चीजें तुमको एंड तक ध्यान रखनी है। मैं बार बार बोलूंगा नहीं कि भाई ये जो है आप एग्जाम्पल लिख लो, मेरा कोई भी एग्जाम्पल है उसको लिख लेना। ठीक है, मान लो मैंने मोतीचूर लड्डू का एग्जाम्पल दिया तो उस मोतीचूर के लड्डू से तुमको पूरा का पूरा वो याद आ जाएगा। ये गुलाब जामुन का एग्जाम्पल पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटेंट तुमको उस समय याद आ जाएगा, पक्का है। मैंने अगर किसी जगह पे जैसे लॉ के अंदर अलग अलग मतलब एग्जाम्पल आएंगे तुम्हारे पास अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के, तो सारे एग्जाम्पल लिखते जाना वहां पर। मैं हर बार हो सकता है मैं भूल जाऊंगा कि अरे ये लिख लो, तो बिना बोले खुद भी जो जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे लिख लो, तुमको बाद में एंड मौके पे स्टडी करने में बहुत मदद करेगा वो सारी चीज। ठीक है, सो अब ये सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है पहले इसके बारे में थोड़ा हमको ज्ञानवान दे दो। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो देख लेते हैं। जनरली ये जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कंपनीज लोगों के लिए होता है, और ऐसा नहीं कि दूसरी डिग्री ये पढ़ाती नहीं है, सारी डिग्री ये पढ़ाएगी, सीए सीएमएम सभी में ये आने वाला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन सीए वाले इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। सीए वाले कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज्यादा खास आने वाला है नहीं इस चैप्टर से। ठीक है, ज्यादा खास कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि इसके आगे एक लिस्ट दी हुई है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि भाई आपको ये लिस्ट को सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, आपको याद भी नहीं करनी है। सो अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं ना, अब मान लो मैं तो आम आदमी हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे तो अकल है नहीं कि भाई अकाउंट कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं। तो सरकार बोली अरे क्या करे यार, ऐसा इनको तो अकल ही नहीं है, अपन कितना भी बोले तो समझ ही नहीं रहे, ऐसे करो ऐसे करो। तो उन्होंने बोला, बोले एक हम एक बना के देते हैं आपको, क्योंकि आपको इसी टाइप से अकाउंट को मेंटेन करना है। हमने कहा ओके बना के दो, चलो लाओ। तो उन्होंने एक क्या करा, रिटर्न डॉक्यूमेंट बना के दे दिया, बोले ये तुमको फॉलो करना है, वो हमारे यहाँ पास अक्कल है, हाँ ये हम कर लेंगे। हमको भी अगर कोई बोलता है कि ये करो तो हम नहीं करते। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हम लोग क्या सोचेंगे, नहीं अरे ये सब हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर लिखित है कानून बन गया उसके ऊपर तो फिर फॉलो करना ही पड़ता है। तो यही चीज है, अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू वेरियस स्टेक होल्डर। अकाउंटिंग के मतलब एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, हम हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स को जो अलग अलग लोगों को, स्टेक होल्डर मतलब कंपनी में जिसका जिसका हिस्सा है, जो भी कहीं कंपनी से रिलेटेड है। स्टेक होल्डर का मतलब ये मत समझ लेना कि सर इसका मतलब तो शेयर होल्डर होता है, नो इसका मतलब शेयर होल्डर नहीं होता। स्टेक होल्डर का मतलब हर वो इंसान जो कंपनी से कहीं ना कहीं जिसका कोई ना कोई कंपनी के अंदर स्टेक है, हिस्सा है। क्रिएटर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, शेयरहोल्डर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, क्रिएटर हो सकता है, कोई भी। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर होते हैं, इनको कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए होती है।
वो जानकारी प्रॉपर हो, ट्रू हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, कंपेरेबिलिटी रहे, रिलायबिलिटी रहे उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आना पड़ता है बीच में। बोले हम लोग पूरी आपके लिए मदद करेंगे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, कंपेरेबिलिटी को मेंटेन करने में, ये सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सॉल्व करके देते हैं। ठीक है, ये रिटर्न फ्रेमवर्क है पूरे के पूरे बने बनाए जो आपको जस्ट फॉलो करना है। तो रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स, इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स ऐसा माना जाता है कि भाई सीए से बेटर अकल किसी के पास नहीं इन द फील्ड ऑफ अकाउंट। ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब है कि नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन सच बात बोले तो इंडिया में तो भैया वही है, वो भगवान है, डॉक्टर है। पर्टिकुलरली इन द कॉमर्स फील्ड, जैसे वो जो होता है ना डॉक्टर फील्ड मेडिकल, उसमें डॉक्टर की एक अलग ही महानता है, वैसे इधर कॉमर्स फील्ड के अंदर सीए को माना जाता है। सीए और कॉस्ट की फील्ड में सीएमए को माना जाता है। देखो सबका अपना अपना है। कंपनी सेक्रेटरी मतलब लॉज अगर होता है कंपनी लॉज और इनके सब ने, तो इसको ज्ञाता माना जाता है, ये भगवान है उनके लिए। अकाउंट्स की फील्ड में भगवान कौन है? सीए। कॉस्ट की फील्ड में भगवान कौन है? सीएमए। सबका अलग अलग दायरा है, सबका अलग अलग एक रेलेवेंस है। सो एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, यहाँ पर अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आता ना तो यहाँ पे सीएमए का नाम आता, बट यहाँ पे सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो यहाँ पर एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन है? हमारा आईसीएआई। ठीक है, मेरा भगवान, पर्टिकुलरली मेरा भगवान। क्यों? क्योंकि भैया ये भगवान है, हमको इनकी पूजा करनी पड़ती है सुबह उठती रोज। और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी मतलब कोई भी हो सकता है, आरबीआई, सीबी या कोई भी। तो वो लोग क्या करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, ये चार चीजें होती है उनके लिए, एक बनाते हैं, एक बोर्ड बनाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एएसबी बोला जाता है। एएसबी एक कमिटी है जो ये सारी चीजें चेक करती है, भाई अपन को क्या क्या है। हालांकि अब तो सारे ऑलमोस्ट जितने जरूरत है सारे बन चुके हैं, अब वो सिर्फ कभी कभार अमेंडमेंट अगर करना होता है तो कर लेते हैं, बाकी तो ऑलमोस्ट अकाउंटिंग सारे बन के तैयार बैठे एकदम। इसका मेन पर्पस यही है कि प्रॉपरली टाइमली इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूजर्स को, इन्वेस्टर्स को टाइमली मिल जाए, कंपनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एकदम प्रॉपरली मेजर हो सके। सो अकाउंटिंग जनरली क्या क्या चीजों का डील करते हैं थोड़ा याद रखना कि इट डील्स विद द फॉलोइंग इश्यूज। क्या क्या? सो रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिकॉग्निशन मतलब कौन सी चीजों को रिकॉग्नाइज करना है, कौन सी चीजों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जगह देनी है। ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ, कैसे करेंगे इनको। मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया? हाउ वी विल मेजर सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। मनी टर्म और क्या? मनी टर्म। तो मनी टर्म सर इनका प्रेजेंटेशन कैसे करें? तो बोले प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास है ना, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे उसके हिसाब से प्रेजेंट कर लेना। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मेट दे दिया, बोले तुम इसमें प्रेजेंट करो, तो अपने अपने को अकल नहीं लगाने का, क्या ना सर ये तैयार है चलो। अब बैलेंस शीट और उसकी फॉर्मेट अपन को दे दिया शेड्यूल 3 के अंदर, तो अपन को अपना दिमाग नहीं लगाने के बैलेंस शीट को ऐसे करेंगे, तो दे दिया वो दे दिया। सो प्रेजेंटेशन ऑफ दीज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग रिकॉग्निशन का ध्यान रखता है, मेजरमेंट का ध्यान रखता है, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखता है, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट डिस्क्लोजर का ध्यान रखता है। कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक जानी चाहिए इससे पब्लिक को फायदा हो, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल देता है। बोले ये इन्फॉर्मेशन बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा क्यों जरूरी है? बोले नहीं जरूरी है क्योंकि तुमको ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, इसलिए तुमने शेयरहोल्डर से पैसा उठाया है, लिया है, तो भाई उसको दो वापस पैसा टाइमली, उसको इन्फॉर्मेशन तो दो कम से कम। तो वो बोलता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखा हुआ है, वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, सो ये रही। सो टू गेट एन इनसाइट इनटू व्हाट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट एंड देयरबाय फैसिलिटेटिंग देम टू टेक प्रूडेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बिजनेस डिसीजंस। होता क्या है कि आपको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है। तो देखो हम कंपनी है, मान लो तुम सबके सब शेयरहोल्डर्स हो, मैं कंपनी हूँ, एज ए कंपनी मेरी ड्यूटी क्या है भाई, तुमको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कैसे डिसीजन लेना है, वो तुम्हारे हाथों में। भाई हमने हमारी तरफ से डिस्क्लोज पूरा कर दिया। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक को समझाना है, मैं मेरे एज ए ट्यूटर की बात करूँ तो टॉपिक को पूरा समझाना है, डिस्क्लोज करना है, वो मैंने तुमको समझा दिया। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ना कैसे है, उस टॉपिक को एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मतलब इंपॉर्टेंट है, कौन सी लिखनी है, वो तो तुम्हारे हाथों में ना, वो मैं तो एग्जाम देके नहीं आऊंगा। वही कहानी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वो बता देता है कि भाई ये करना है तुमको, ये चेकलिस्ट है, ये देख लेना, तो भाई फॉलो तो तुम्ही को करनी है, वही वाली बात होगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम क्यों बनाते हैं, व्हाट इज द रीजन, वही है भाई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, रिलायबिलिटी रहे, मेजरमेंट प्रॉपर हो सके, डिस्क्लोजर जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सके, यही इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ अलग अलग मस्त एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाएगा,
The whole idea of accounting standards is centered around harmonization of accounting policies and the practices followed by the different business entities so that the diverse accounting practices adopted before. इतना बढ़िया बढ़िया लिखा है, कितना मजा आ रहा है. कहने का मतलब इतना है कि बस सर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करने का पूरा आइडिया यही है कि आपकी जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होती है, ठीक है, मान लो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी है, इन्वेंटरी की पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इनको प्रॉपरली हार्मोनाइज करना, इन दोनों को इंटीग्रेट करना. जो अलग अलग बिजनेस एंटिटी, अलग अलग बिजनेस एंटिटी अगर वो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस भी फॉलो कर रहे हैं तो उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, इक्वल लेवल पे लाके रख दिया जाए. एग्जाम्पल के तौर पर मैं रिलायंस हूँ, मेरा बाजू वाला टाटा है, उसके बाजू वाला इन्फोसिस है. अगर हम तीनों अपने हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाएंगे ना तो होगा क्या कि मैं कुछ अलग बताऊंगा, वो कुछ अलग बताएगा, वो कुछ अलग बताएगा. इससे तुम एज ए यूजर तुमको कुछ समझ नहीं आता, एज ए यूजर तुमको कुछ नहीं समझ आएगा क्योंकि हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज है. तुम तो नॉर्मल आदमी, तुमको कहां से समझ आएगा. तो सरकार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बोलता है कि तीनों एक जैसी इंफॉर्मेशन बताओ, तीनों एक ही फॉर्मेट में बताओ तो बच्चों को समझ आ जाए. इसीलिए तो यही चीज होती है वो वाली कहानी. अब आता है इसके आगे वाली कहानी के भाई, अच्छा इसको पहले तो हटाना पड़ेगा. अगर अकाउंटिंग पॉलिसी, इनके अंदर ये होता है कि अगर कंपेरेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, कोई भी आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, आई मस्ट बी एबल टू कंपेयर माई कंपनीज परफॉर्मेंस विद द अदर कंपनीज परफॉर्मेंस. For that, we require a specific set of accounting policies or accounting standard, presentation standard, disclosure standard. तो ये काम होता है accounting standard का. वो क्या करता है, अगर कोई भी non-comparability, उसका eliminate ही कर देगा. बोले बेटा non-comparability, तू compare नहीं कर सकता, हट, ये नहीं चलेगा, हट, ऐसे करता है, eliminate कर देगा उसको. इससे क्या होता है, improving the reliability of the financial statement. उससे आपके financial statement की क्या बढ़ जाती है, reliability, आपका भरोसा ये बढ़ जाएगा. It provides a set of स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन नॉर्म्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें, ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है. तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है, वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज के सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, उनके वैल्यूएशन नॉर्म्स क्या है, रूल्स, ठीक है, वैल्यूएशन के क्या रूल्स है, वो सारी चीजें आती है. बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या क्या बेनिफिट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उनका लिमिटेशंस क्या क्या होता है. अरे बेनिफिट तो ज्यादा है, लिमिटेशंस हो सकता है थोड़े बहुत, बेनिफिट ज्यादा है. मैंने पहले भी कहा था इस दुनिया में हर चीज का बेनिफिट भी है तो लिमिटेशन भी होगा ही होगा कोई ना कोई. सबसे बड़ा बेनिफिट तो है ये आपको ट्रू एंड फेयर व्यू जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लाने में मदद करता है, ठीक है. ट्रू एंड फेयर व्यू, हमारा मेन फोकस यही होता है कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एकदम ट्रू और फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू बताए. हमने कहा ठीक है सर ये बता देंगे हम लोग, कि काम को करवाने में मदद करता है AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तुम्हारे ऊपर मतलब शेयरहोल्डर होता है ना, शेयरहोल्डर को कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं होता, शेयरहोल्डर को भरोसा होता है उसके ऑडिटर के ऊपर, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर. कभी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिट कर रहा है तो वो सही करेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भरोसा होता है अपने भगवान पे, ICAI पे. ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, मतलब ये सही बनाया होगा. तो सारी कहानी यहां से शुरू होती है. AS अगर सही है, आपने उसके हिसाब से अकाउंट मेंटेन करा है, सब कुछ एकदम प्रॉपरली फॉलो करा है, तो आपके अकाउंट कंपलसरीली ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज करेंगे ही करेंगे. तो बिना advantage standards reduce to the reasonable extent or eliminate together confusing variations in the accounting treatment. आपको financial statement बनाने में कोई problem आ रही, कोई confuse कर रही कोई चीज, तो accounting standard बोलता है बेटा tension नहीं लेने का, अपुन है तो अपुन है, तो अपुन क्या करेगा, अपन reduce कर देगा कोई भी प्रकार का अगर आपके अंदर confusing element है तो, ठीक है. तो ये सबसे पहला काम, ये जो है eliminate कर देगा अगर कोई भी confusing variations अगर आते हैं तो. उसके बाद there are certain areas where important information are not statutorily required to be disclosed. Standards may call for the disclosure beyond the required by the law. काफी बार ऐसा हो जाता है कि कुछ चीजें जो होती है वो डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है उसके अंदर कि सर वो जो चीजें है ना स्टैचुटरी मतलब कानून ने बोला ये डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. अब जरूरत मतलब जरूरत नहीं है, वो बोलता है बताओ मत लोगों को, लेकिन रियल में उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, तो वो इन्फॉर्मेशन यूजर तक पहुंचनी चाहिए थी, इट वाज नेसेसरी. तो ऐसे केसेस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा बीच में, बोले नहीं लॉ ने बोला है तो क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ ना ये डिस्क्लोज करने का तो करने का, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ की भी सुनेगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी सुनेगा, वो डिस्क्लोज करवाएगा, तो यूजर को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगी. अरे मेन पर्पज ही ट्रांसपेरेंसी है. T&A So T&A, transparency and accountability is the most important thing in the financial statement of any company.
वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा, बोले सरकार मना कर रही है, कानून मना कर रहा है, तो क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ ना ये इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है तो डिस्क्लोज कर, चल। तो ये चीज होती है एक। और इसके अलावा एक मिनट को नीचे आते अपन, द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड टू ए लिमिटेड एक्सटेंट फैसिलिटेट कंपैरिजन। ये तो होना ही है, ये तो होना ही है कंपल्सरीली। आपने अकाउंट मान लो, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये कंपनी सी है, ये कंपनी डी है, सब जन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर फॉलो करेंगे, ये भी एस, ये भी एस, ये भी एस, सब जन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो करेंगे, तो सभी के जो डेटाज है वो ऑलमोस्ट जो दिखेंगे वो सेम दिखेंगे। फिगर्स को छोड़ दो, बाकी प्रेजेंटेशन या उनका डिस्क्लोजर वो प्रॉपर रहेगा। सो वी विल बी एबल टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपेरिजन, कंपेरिजन। चलिए एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लो तुम हो सीए के अंदर, दूसरा बच्चा फॉर एग्जाम्पल वो पकड़ लेते वो है यूपीएससी के एग्जाम दे रहा है, तीसरा जो है वो जेडब्ल्यू के एग्जाम दे रहा है। मैंने बोला इन तीनों के मार्क्स कंपेयर करो, बताइए कर सकते हैं आप कंपेयर? इन तीनों में कौन होशियार बच्चा है, हमें कंपेयर करना है, तो बताओ कैसे करोगे कंपेयर? कर सकते हो कंपेयर? बोलो, कर सकते हैं सर। कैसे करेगा बता भाई तू? तो मार्क्स से। अच्छा, मार्क्स से कंपेयर करेगा। ओके, इसमें 400 मार्क की एग्जाम होती है, इसमें फॉर एग्जांपल 100 मार्क की एग्जाम होती है, फॉर एग्जांपल इसमें 1000 मार्क की एग्जाम होती है, एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ। तो अब कर कंपेयर, कर पाएगा सर? परसेंटेज से होगा अभी तो, परसेंटेज से होगा। चलो ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये तीनों ही कंपेरेबल नहीं है, ये तीनों ही कंपेरेबल नहीं है। फील्ड एक है क्या इनका? ये सीए वाला बच्चा, इसको कॉमर्स की फील्ड में नॉलेज होगा, यूपीएससी वाले को करंट अफेयर्स के अंदर, मैथ्स के अंदर, इनके अंदर नॉलेज होगा, जेडब्ल्यू वाले को साइंस या मैथ्स के फील्ड में नॉलेज होगा, कॉमर्स के बारे में ये भी नहीं पता होगा उसको, तो हम कहाँ से कंपेयर कर लेंगे? सो फॉर दैट हमें इक्वल लोग चाहिए। सीए वाले को सीए के साथ ही कंपेयर किया जा सकता है। सर मेरे 400 में से जो है मान लो 285 आए, सर मेरे 400 में से जो है ना वो 300 है, तो कंपेयर किया जा सकता है। हाँ, ये बच्चा हो सकता है कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा होशियार हो। अरे भाई यहाँ पे कंपेयर होगा ना, इक्वल फुटिंग पे होगा तो कंपेयर होगा। तुम ऐसे अलग अलग लेवल के होंगे तो उसको क्या क्या कंपेयर करोगे फिर? यही तो अकाउंट एजेंट बोलता है, बोले तुम अलग अलग अगर अकाउंट बनाओगे, ये सीए, ये मान लो ये कंपनी ये वाला मेथड है, एग्जांपल है, ये कंपनी ये वाला है, तो कहां से कंपेयर कर लोगे तुम? सबके तरीके ही अलग है, सबके मतलब ही अलग है भैया, इसका फील्ड ही अलग है पूरा का पूरा। सो वी विल नॉट बी एबल टू कंपेयर, फॉर दैट हमें इनको एक इक्वल फुटिंग पे लाना पड़ेगा। सो इक्वल फुटिंग, जैसा तुमने एक एग्जांपल दिया सर, हाँ ये कंपनी अलग अलग, मान लो चलो स्ट्रीम अलग अलग है, सर परसेंटेज एक मैकेनिज्म हो सकता है जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही काम करता है कि आप एक बेस ला के देता है जिससे आप इनको कंपेयर तो कर सको। मार्क्स से तो चलो नहीं कर सकते, परसेंटेज से तो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर अगर हो कि वो अगर एक ही लेवल के हो कंपैरिजन में तो काम आएगा। तो यही चीज वो यहाँ पे बोलना चाहता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग प्रकार की कंपनीज होती है, सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, तो सर सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉमन बातें क्या होती है? बोले सर ये तीन ही होती है पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी चले जाओ पीएनएल होगा, बैलेंस शीट होगी, और एक होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन तो सर हर जगह मिलना है, तो हमने कहा बस इसी को कंपेयर करेंगे। उसने बोला बाकी चीजों का, मैंने कहा बाकी को तो बचा ही क्या, अगर ये तीन अगर परफेक्ट है तो बाकी सब चीजें अपने आप ही परफेक्ट है। तो पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी में चले जाओ आपको इक्वल फुटिंग में ही रहना पड़ेगा। इंडिया में पहले बही खाता वाला सिस्टम चलता था, चोपड़ा बही खाता, वो समझ ही नहीं आता था यूजर्स को, अलग अलग यूजर्स को समझ ही नहीं आता। तो इन्होंने क्या करा, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, इंडियन सिस्टम हटाओ, चलो फॉरेन में क्या चलता है और पूरे वर्ल्ड में क्या चलता है, बोले ये सर सिस्टम चलता है, बोले अपन भी यही लाएंगे। देसी नामा हट चुका है इंडिया से, ऑलमोस्ट देसी नामा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हट चुका है, ये हमारा खुद का था पहले, लेकिन अब ये हम इसमें नहीं जाते, हम अब ये वाला करते हैं डबल एंट्री वाला। ऑल ओवर द वर्ल्ड में यही होता है, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज नाउ बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, तो सब कंपनी का डेटा कंपेयर करना बहुत जरूरी है, दिस इज द रीजन। सो ये सारी कहानी होती है। सो ये तीन चीजें होती है अकाउंटिंग के, जो स्टैंडर्ड अपन ये कह सकते हैं कि सर ये जो इसके बेनिफिट्स है, पहला वो स्टैंडर्डाइज कर देता है सब चीजों को। हमने कहा अच्छी बात है सर, वो डिस्क्लोजर के लिए बुलवाता है, बोले लॉ ने मना कर रहे लेकिन नहीं हमको तो चाहिए। उसके बाद वो बोलता है कंपेरेबिलिटी, सर कंपेयर करने में आसानी कर देता है, क्योंकि सभी को एक लेवल पे लाके रख देता है ना, तो इसलिए कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।
तो ये भी एक क्या हो गया, बेनिफिट हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, सब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है मतलब। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं सर, क्या लिमिटेशंस है हम समझते आ जाइए। सो लिमिटेशंस ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, डिफिकल्टीज इन मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट। अब मान लो कि एग्जांपल लेता हूं, चलिए अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सर। मान लो कि भाई एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोल रहा है, दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ और बोल रहा है, सर हम किसकी सुने अब। ये तो वही वाली बात होगी, पापा बोलते हैं काम कर, मम्मी बोलती है काम मत कर, तब मैं किसकी सुनूं, मैं किसकी सुनूं। तो यहाँ पे काफी बार कुछ जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो आपस में कंफ्लिक्ट कर जाते हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं, तो इन दैट केस हम किसकी सुनेंगे, तो वो एक जो है लिमिटेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो चॉइस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, द चॉइस बिटवीन द डिफरेंट अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मे बी डिफिकल्ट, तो ये एक लिमिटेशन है। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है, अल्टीमेटली सबसे बड़ा कौन, बाप, अल्टीमेटली सबसे बड़ा कौन, बाप, और बाप से बड़ा कौन, भगवान। सो हमारे लिए हमारा बाप एक तरह से समझ लो कि भाई आईसीआई हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया हमारे लिए हमारा बाप, लेकिन बाप से बड़ा भगवान होता है, तो भगवान कौन है, बाप से बड़ा भगवान हो गया अपने लिए सरकार, कानून। सो कानून को कभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड नहीं कर पाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। कानून बन गया इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, बोले यही होगा, अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है अरे गलत है, तो बोले भाड़ में जा, हमने बोल दिया बात कंफर्म। तो कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये इसका रेस्ट्रिक्टेड स्कोप हो गया, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया कि हाँ सबसे बड़ा भगवान है, उसके बाद जो है हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, उसके बाद तुम हो, तो ये इसका लिमिटेशन कह सकते हैं आप लोग। उसके कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा, कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता। प्रोसेस क्या होता है सर, हाउ दिस आर मतलब हाउ दीज आर फ्रेम्ड, कैसे इनको बनाया जाता है, कौन से लोग इसे फ्रेम किया जाता है। स्टेप्स तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि बस आइडेंटिफाई कर लो, कॉन्स्टिट्यूट कर लो स्टडी ग्रुप को, उसके बाद एक ड्राफ्ट बना लो, ड्राफ्ट के बाद जो सर वो अलग अलग जो है अकाउंटिंग बॉडी को उसको जो है वो दो, एसरटेन करो उनकी व्यूज को। ये सारी चीजें जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी चाहिए ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। आईसीएआई प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया के अंदर, तो पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर तो भाई आईसीएआई सबसे बड़ा है। उसके बाद टुक अपॉन इटसेल्फ द लीडरशिप रोल बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग, इन्होंने एएसबी बनाया, जैसे मैंने अभी बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड 1977 के अंदर इन्होंने एएसबी बनाया था। अब एएसबी का काम क्या होता है, कोई भी प्रकार का अकाउंट स्टैंडर्ड अगर बनाना है, उसको इश्यू करना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसको अमेंड करना है, वो सारा काम अपना जो एएसबी कर देता है। एएसबी बोलता है हम बैठे हैं ना, हम करेंगे ये सब चीजें। वैसे जैसा भी मैंने तुमको कहा था ऑलमोस्ट सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन चुके हैं, तो द एएसबी कंसीडर्स इंटरनेशनल, एएसबी कंसीडर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स व्हाइल फ्रेमिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। एएसबी क्या कर रहा है, आईएफआरएस के साथ, IFRS जो होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जनरली पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इन चीजों को फॉलो करता है। MNCs जो होती है वो IFRS को फॉलो करती है। ये भी एक जो है ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वैसे ही एक IFRS भी स्टैंडर्ड्स है, तो वर्ल्ड के अंदर ये चलते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम ये होता है कि इन दोनों के बीच में तालमेल बैठा है, भाई फर्क ना आ जाए। अगर मान लो इंडियन कंपनी केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करती जाएगी और सब कुछ डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर IFRS के अंदर, तो इंडियन कंपनी वर्ल्ड की कंपनी या ग्लोबल कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर पाएगी, प्रॉब्लम आएगी लोगों को समझने में। अब इन डेज एक और चीज होती है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करता है उसके IFRS के और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तीनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, या मान लो 19-20 का फर्क होना चाहिए, तब तो बढ़िया है, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो काम के, अदरवाइज वो फिर काम नहीं आएंगे। तो एएसबी का यही काम होता है कि हम लोग इनको चेक करें, देश के अंदर जो कानून बने हुए उनको ध्यान में रखें, कस्टम यूसेज जो भी है, कैसे काम चल रहा है हमारे देश के अंदर, क्या चीज है जो भी है, तो उन चीजों को हम ध्यान में रखें। इसके लिए अलग अलग एएसबी जो है, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्री, जैसे एसोचैम होता है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, CIA होता है, FICCI होता है, जिनके फुल फॉर्म तुमको जो है उसमें दिए हुए रहेंगे BCK के अंदर, देख लेना एक बार, इकोनॉमिक्स के अंदर की बुक के अंदर भी दिए हुए इनके फुल फॉर्म। और नहीं तो खैर गूगल देवता ही अपने पास,
सो रेगुलेटर्स एकेडमिशियंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन लोगों को पूछता है, जैसे मैंने तुमको बोला था ना कि अलग अलग डिफरेंट अकाउंटिंग बॉडीज को पूछता है, सबको फोन करके पूछता है, फोन मतलब है भाई ऐसे फोन नहीं करता रियल वाला, सबको वो ड्राफ्ट भेजता है, बोले देखो हमने ये बनाया है तुम्हें क्या लगता है, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये एकदम बढ़िया है इश्यू कर दो, चलो इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है ये कर देना, बाकी चलो रेडी। तो बस घी काम करता है अपना एज, पहले आप खुद का दिमाग पूरा लगा लेता है, दिमाग लगाने के बाद सब कुछ तैयार करके रख दिया, ये गाड़ी तैयार एकदम ठीक है, गाड़ी को अब एक्सपर्ट को भेजा, बोले बेटा एक्सपर्ट तू चेक कर तेरे को क्या लगता है सही है, उसने बोला अरे बाकी सब कुछ सही है, थोड़ा जो एक्सीलरेशन थोड़ा कम है इसको बढ़ा दो, एवरेज थोड़ा बढ़ा दो, बाकी एकदम बढ़िया है चलो आगे फाइनल को। तो हमने कहा ठीक है चलो ये मॉडिफाई करके हमने बना दी गाड़ी, उसके बाद हमने कहा एक फाइनल बार पक्का पक्का एक फाइनल बार और एक और बार देखो, उसने बोला अरे ये सब बढ़िया एकदम, थोड़ा सा जो है ना इसमें वो मान लो कोई एक एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ वो थोड़ा सा चेंज कर दो, बाकी एकदम फिर इश्यू कर दो, मेरे पास आना भी मतलब इश्यू हो गया, यही तो कहानी है, ऐसे ही जो है अकाउंट स्टैंडर्ड भी इश्यू होता है। सो लंबी कहानी है पूरी दिए हुए कि कैसे इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो आइडेंटिफाई करो कॉन्स्टिट्यूट करो यही ड्राफ्ट बनाओ, तो वो आठ याद रखना, इधर थोड़े एक दो ज्यादा भी दिए होंगे तो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, वो आठ याद कर लो बहुत है। आज क्या है मीटिंग है बंद क्यों नहीं हो रही है, आज क्या जूम का फ्री डे है क्या, सुबह भी मेरी जो है इतनी मीटिंग चली थी लेकिन बंद हुई नहीं थी, ना मैसेज आया था। ओके सो लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, अब ये जो लिस्ट है ये सिर्फ आपको जो है नॉलेज पर्पस के लिए दिया गया है, ये याद नहीं कर रहा है, वैसे याद अपने आप ही हो जाएगी, इस साल तो नहीं होगी अगले साल अपने आप ही हो जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे सारी चीजें ऑटोमेटिक याद है पूरे के पूरे, वैसे टोटल 32 है लेकिन तुम्हारे जो एट प्रेजेंट जो है 29 ही एप्लीकेबल है, इंडिया के अंदर 29 ही एप्लीकेबल है, टोटल 30, 31, 32 भी है, लेकिन वो जब मैं पढ़ रहा था तब से बोला जा रहा था कि भाई अगले साल ये आ जाएंगे एप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन उस बात को इतने साल हो गए अभी तक एप्लीकेबल हुए नहीं, क्लियरली लिखा हुआ दिस लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग इज गिवन अबव डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस, इट हैज बीन गिवन हियर ओनली फॉर द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका नॉलेज रखो, थोड़ा बहुत ज्ञान व्यान होना चाहिए तुम्हारे पास कि सर क्या क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, एवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। सो ये कहानी है, अब आता है इसके बाद चैप्टर की एमसीक्यूज के बारे में, सर देख लेते क्या है एमसीक्यूज थोड़ा बहुत। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज इन इंडिया इश्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहली बात तो इश्यू कौन करता है, ICAI करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट बैंक सॉरी स्टेट गवर्नमेंट करता है या RBI करता है, इसका जवाब हमें पता है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, ICAI करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हार्मोनाइज करता है अकाउंटिंग पॉलिसी, बिल्कुल सही है, एलिमिनेट करता है नॉन कंपेरेबिलिटी, बिल्कुल सही है, दो सही हो गए आंसर ऑल ऑफ दी, वो कंफर्म है फिर तो, सो ये डी आंसर होगा इसका, रिलायबिलिटी भी तो इम्प्रूव करता ही है। अगला, it is essential to standardize the accounting principles and policies in order to ensure transparency, bilkul sahi hai, consistency bilkul sahi hai, do confirm ho gaye, teesra bhi dekh lete, comparability ye bhi option sahi hai, again answer all of the above, so d is your right answer here, the c is your right answer, check kar lete kya answer hai, kya gaya, ek minute, ye raha, so c d d bilkul right answer hai। objectives ke bare mein usne pucha, bole objectives kya account standard ke, to apan ne upar padha hi tha, ऑब्जेक्टिव्स अपन को लिखने रहेंगे। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं अकाउंट स्टैंडर्ड को सेटअप करने में, तो तीन एडवांटेजेस थे, ठीक है, तीन एडवांटेजेस थे, क्या क्या था कि भाई सबसे पहला स्टैंडर्डाइज करना, दूसरा वो था कि भाई इसको डिस्क्लोजर एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कानून ने मना करा है लेकिन हम बैठे हम करवाएंगे तुमसे, उसके बाद अगला जो था वो पॉइंट क्या था, भाई अगला बोलता था कंपेरेबिलिटी जो है इससे बेटर हो जाती है, बहुत बढ़िया हो जाती है, सो तीन एडवांटेजेस मेन थे, दो लिमिटेशंस थे, ठीक है। सो इस टाइप से आपका चैप्टर हुआ खत्म, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज लिमिटेशंस ऑब्जेक्टिव्स और ये वाला फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर, तो चैप्टर इज क्वाइट इजी, सो चैप्टर आपका खत्म हो चुका है और स्टॉप करते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को।